हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि टेपर की कैलकुलेशन शॉर्टकट तरीके से हम कैसे कर सकते हैं, जो कि मैंने एक ऐप के बारे में बताया था। उसके मैनेज करके साइज़ को हम आसानी से जो है टेपर निकाल सकते हैं। तो अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके चैनल में आप विजिट करके देख सकते हैं गाइस। तो शॉर्टकट के तरीके से हम कैसे मतलब कि अपने टेपर की कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, मतलब कि टेपर सेटिंग करने की साइज़ हम निकाल सकते हैं, डिग्री कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है गाइस, तो आज हम बात करने जा रहे हैं गाइस के हम टेपर की कैलकुलेशन तो कर लेंगे, ठीक है, तो हम सेटिंग कैसे करेंगे गाइस। टेपर की जो सेटिंग की जाती है वो कैसे की जाती है, कैसे मतलब कि होगी सेटिंग, तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है गाइस। तो वीडियो को पूरा वॉच करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जो है दबा लें, ताकि आने वाली नई से नई वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अगर किसी भी जॉब में हमें टेपर कटिंग करना है, तो सबसे पहले उसको हम साइज़ बाई साइज़ जो है उसको टर्निंग हम कर लेंगे। जैसे मान लीजिए 20 mm है, ठीक है, तो यहाँ से हमें 10 mm करना है, तो हमें मतलब कि टोटल पहले पूरा 20 mm जो है कटिंग कर लेना है, टर्निंग कर लेना है, ठीक है गाइस। फिर उसके बाद हम अपना सेटिंग जो है करेंगे। तो सेटिंग गाइस यहाँ से होगा, यहाँ देखिए आपको मैं क्लोज़ करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है गाइस। तो आप डिग्री कैलकुलेशन करके उसके बाद ये नट लगा हुआ है, इस नट को खोलेंगे हम, ठीक है गाइस। एक इधर लगा होगा, एक उसके बैक में लगा होगा। चलिए बैक वाला भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए गाइस, एक ये बैक में लगा हुआ है, दो नट लगे होते हैं, नट बोल्ट जो है दो ठो लगे रहते हैं, दोनों को खोलना पड़ता है, ठीक है। तो दोनों बोल्ट को गाइस खोल के उसके बाद हम यहाँ से डिग्री जो है सेट कर लेंगे, जितना भी डिग्री हमको यहाँ पे सेटिंग करना है, ठीक है गाइस। उसके बाद डिग्री सेट करके गाइस, तो फिर उसके बाद हम इधर देखेंगे कि हमें मतलब कि जॉब जो है कहाँ से पतला चाहिए, आगे से पतला चाहिए या अपने इधर से पतला चाहिए, ठीक है गाइस। अगर हमको इधर से पतला चाहिए तो गाइस हम इस टूल को जो है इस दिशा में घुमाएंगे, ठीक है, जो कि इधर में रहेगा, राइट साइड में घुमाएंगे, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे पतला चाहिए गाइस, तो हम इसको लेफ़्ट साइड में घुमाएंगे। यहाँ से देखिए ये जो है टूल जो है पूरा घूम जाएगा गाइस, ठीक है, ये स्लाइड जो है पूरी मतलब कि घूमेगी। तो इसको हम ऐसे प्रेस करेंगे तो ये इधर को घूम जाएगी, अगर इधर प्रेस करेंगे तो ये इधर की घूम जाएगी। तो जिधर भी आपको मतलब कि पतला या मोटा चाहिए, जिधर भी टेपर कटिंग करना है आपको, उस साइड में आप उसको घुमा सकते हैं गाइस। तो ऐसे ही गाइस टेपर सेट की जाती है, और टेपर कटिंग करने में आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो आशा करता हूँ गाइस कि आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, और अगर आपने मेरी वीडियो वो नहीं देखी है कैलकुलेशन की, तो आप वीडियो कैलकुलेशन जाके देख लेते हैं, वीडियो में जाके देख सकते हैं, ठीक है गाइस। तो चलिए गाइस, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मन में कोई सवाल होगा तो पूछ सकते हैं गाइस कमेंट करके, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें, ताकि आने वाली नई से नई वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। तो गाइस, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।